बॉलीवुड की फैशन डीवा यानी सोनम कपूर जल्द ही शादी के बंधनों में बन सकती हैं। जी हां, खबरों की माने तो सोनम कपूर अगले साल 2017 के अंत तक अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती हैं। आजकल सोनम कपूर के अफेयर के चर्चे बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ बहुत दिनों से चल रहे हैं। दोनों ने साथ पहली बार रुस्तम की सक्सेस पार्टी में पब्लिक अपीयरेंस दिया था। हालांकि सोनम ने अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया है। खबरों के मुताबिक सोनम कपूर और उनके बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा 2017 के आखिरी में शादी कर लेंगे। इस बारे में जब सोनम से बात की गई तो सोनम ने कहा कि उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में दखल ना दिया जाए। बता दें कि कुछ समय पहले दोनों लंदन में एक साथ छुट्टियां बिताने भी गए थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस रिलेशन के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। एक बार फिर सोनम आनंद के साथ दिखाई दी। सोनम कपूर का नाम अभी तक कई लोगों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन सोनम कपूर ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात नहीं की है। लेकिन सूत्रों की माने तो सोनम कपूर दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो जल्द ही उनसे शादी भी कर सकती हैं। मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सनसनीखेज बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लोग मुझे सदन में नहीं बोलने दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें अगर मैंने उजागर कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हवा बनाई हुई है वो हवा खत्म हो जाएगी, उनका गुब्बारा फट जाएगा। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा। इस बीच राहुल गांधी ने नोटबंदी के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास मोदी को लेकर कुछ पर्सनल जानकारी है जिसे मैं लोकसभा में बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे वहां पर मौका नहीं दिया गया। मोदी को डर है कि अगर मैं लोकसभा में बोलूंगा तो उनका गुब्बारा फूट जाएगा। प्रधानमंत्री जी के बारे में भ्रष्टाचार के कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो वो हमें सदन में रखने नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी डरे हुए हैं, पहली बार सरकार चर्चा को रोक रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे हंसी में उड़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि ये वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को कुछ सिखा दिया जाए और वो उत्साहित होकर कुछ भी बोलने लगे। कैमरामैन कन्हैया के साथ दिनेश गौतम, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज उस वक्त मिलिटेंट और फौज के दरमियान झड़प शुरू हुई जब फौज ने बिजबिहाड़ा के ब्यूरा इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान यहां पर मौजूद मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान गोलाबारी शुरू हुई जिसके नतीजे में एक मुकामी मिलिटेंट हलाक हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके में दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया था, दोनों से फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी मारा जा चुका है। बुधवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हडिगम गांव में ये मुठभेड़ हुई। बिजबेहरा के डचरीपुरा इलाके में ये गांव पड़ता। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इलाके को घेर लिया, इसके बाद आतंकियों की फायरिंग शुरू कर दी गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। POK में इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के शहर पर आतंकी हमलों में तेजी आई है। इसके मद्देनजर सुरक्षा बलों ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त बासित अहमद के बतौर हुई है। बताया जाता है कि बासित अहमद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में BTech की डिग्री हासिल कर रहा था, जबकि वो चंद महीने कबल मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल हुआ है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं साहिल अमीन, JK 24/7 न्यूज़, जम्मू कश्मीर।